सारा, मैंने हर बात तुम्हारी मानी। जब जब तुमने जो जो कहा है मैंने वो सब कुछ किए, तुम्हारी हर जिद पूरी की है मैंने। और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था कि उस्मा के होते हुए मैं तुम्हें इस घर में नहीं लेके जा सकता। तुम्हें मैंने अलग घर लेके दिया ना, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, तुमने जो चाहा तुम्हें दिया है। फिर तुम अब जिद क्यों कर रही हो कि मैं तुम्हें इस घर में लेके जाऊं? खुद सोचो कैसे। क्या मैंने कभी तुमसे ऐसा वादा किया था? नहीं किया था ना। मगर तुम फिर तुम ये जिद क्यों कर रही हो? जमाल, मैंने जब तुम्हारी ये बात मानी थी मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे मेरे घर से क्या क्या सुनना पड़ेगा। तुम नहीं जानते मेरी खाला कैसी कैसी बातें कर रही हैं, मेरी अम्मी परेशान हो रही हैं। वो कहती हैं कि इस तरह ठीक नहीं है जिस तरह निकाह कर तुमने मुझे अलग घर में रखा हुआ है। तो कैसे ठीक है? मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है, ये बात जाके तुम अपनी खाला को क्यों नहीं समझाती? जमाल, मैं अपनी खाला को समझाऊं, अम्मी को समझाऊं, किस किस को समझाऊं? सबका मुंह बंद तो नहीं कर सकती ना। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उस घर पर मेरा भी हक है। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि वो घर मेरे नाम कर दो, मैं तो सिर्फ वो इज्जत चाहती हूँ, वो मकाम चाहती हूँ जो तुम्हारी बीवी यानी कि मेरा हक है। देखो, तुम्हारी पहली बीवी होने के बावजूद मैंने तुमसे शादी की थी, कंप्रोमाइज़ किया था, तुम पर एतबार किया था, इसलिए कि जो इज्जत और मकाम तुमने उसे दिए वो मुझे ना दे सको। देखो सर, ये बातें मैं तुम्हें पहले भी कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये नामुमकिन है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया था जो तुम्हें अब जतलाना पड़े। प्लीज प्लीज सारा समझने की कोशिश करो। और जहां तक बात है मुकाम की, तो तुम्हारा मुकाम किसी तरह कम नहीं। मुझे बस मुनासिब मौका मिलने दो, मैं बाबा जान और पुप्पो से बात करता हूँ। और उज्मा से बात करो ना जमाल, जब तक तुम उज्मा से बात नहीं करोगे ये मामला आगे नहीं बढ़ने वाला, मान लो मेरी बात। कैसे बात करूँ मैं उज्मा से? हाँ, अगर मैंने उससे बात की तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्यामत आ जाएगी। प्लीज सारा, तुम ये समझने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ उज्मा की फिक्र है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है जमाल, तुमने मुझे वो इज्जत नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूँ। सारा प्लीज प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जमाल, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। अच्छा सारा, मेरी बात तो